नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही कम टाइम में एक सुपर और हेल्दी नाश्ता तैयार करने वाले हैं। ये हमने डेढ़ कटोरी बारीक वाली सूजी छान कर ले ली है। आपके पास में मोटी सूजी है तो उसे एक बार ग्राइंड कर लें और बस इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद जिस कटोरी से हमने सूजी नाप कर ली है उसी से एक कटोरी हम इसमें दही डाल रहे हैं और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही खट्टी भी होगी तो भी चलेगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हो बैटर हमारा कितना गाढ़ा है, इसलिए इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यह ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में फिर पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सूजी पानी को सोख लेती है। लेकिन फिलहाल हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रहे हैं और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं जो इसमें हमें डालनी है। ये देखिए, हमने शिमला मिर्च, प्याज और गाजर तीनों सब्जियों को एक साथ में बारीक बारीक चॉप करके और इसमें ऐड कर लिया है। आप जो सब्जी खाना पसंद करते हैं वो सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और ज़रूरत पड़ेगी तो ये बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं हम। कुछ इस तरह से देखिए, इतना पतला बैटर हमें बनाना है। और ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। अब इसमें हम तड़का लगा रहे हैं, जीरा और राई और कढ़ी पत्ता। ये देखिए, इसका तड़का लगाने के बाद इस नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और आइए अब हम प्लेट को ग्रीस करके रख लेते हैं। दो प्लेटों में हमें बनाना है, एक प्लेट में हमने ग्रीस करके रख लिया है। इसमें ये बैटर डालने के बाद में ये देख सकते हो, एक चम्मच के करीब इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को हम दो प्लेटों में रखेंगे। इसलिए पहली प्लेट के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं और बस इसे डालकर मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से ही मिक्स करना है क्योंकि पूरे बैटर में अच्छी तरह से जब हमारा बेकिंग सोडा मिलेगा तो ये पूरी तरह से पूरी प्लेट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और कुछ इस तरह से ये देखिए, पानी हमारा खोलने लगा है। जैसे ही पानी हमारा बॉयल होगा इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो डाल देंगे। बस इसे अब हम पानी जैसे ही हमारा बॉयल होता है उसमें हम प्लेट को सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह से हमने कढ़ाई में पैन को सेट कर दिया है। कढ़ाई के अंदर प्लेट को सेट कर दिया है और बस इसे ऊपर से ढक देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसे हम 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। और जब तक ये पक रहा है तब तक दूसरी प्लेट में भी हम डाल देते हैं, उसमें थोड़ी सी सब्जियां ज़्यादा ऐड करेंगे। और इसे पकने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। एक तरफ हमारी दूसरी प्लेट भी पक रही है और ये देखिए कुछ इस तरह से हम किसी भी चाकू या चम्मच से इस तरह से डालकर और देख सकते हैं, यदि बिल्कुल फ्रेश निकलता है तो समझ लो कि ये हमारा तैयार हो चुका है। और बस इसे हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे निकालकर ठंडा कर लेंगे। कभी भी हमें इसे ठंडा होने के बाद ही इसकी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से देख सकते हो, ये प्लेट हमारी तैयार है। जो दूसरी प्लेट में भी हमने तैयार किया है वो भी प्लेट हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। और दोनों को ठंडा होने के बाद ही हम इनकी कटिंग करेंगे।
कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो दूसरी प्लेट भी हमारी तैयार है। और बस दोनों प्लेटों की हमें कटिंग करनी है। एक प्लेट की कटिंग हम ग्लास से करेंगे और दूसरी की कटिंग चाकू से करेंगे। दो तरह के शेप हम तैयार करने वाले हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है कटिंग करके। और बस इसे ग्रीन चटनी के साथ आप सुबह के नाश्ते में सर्व करें। सभी को बहुत पसंद आने वाला नाश्ता है दोस्तों। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, 12 से 15 मिनट के अंदर ये हमारा सुपर और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और आप ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस रेसिपी को आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।